नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अमित शर्मा। दोस्तों, एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी बड़ा नाम है इसका। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एमिटी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में कि क्या एग्जैक्टली ये चीज़ें आपको ऑफर कर रही है और क्या चीज़ें आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए एमिटी यूनिवर्सिटी से। पर्सनली मैंने काफ़ी रिसर्च किया इस यूनिवर्सिटी के ऊपर, बहुत ही यूनिक चीज़ें कुछ मिली जिनमें से थर्ड पॉइंट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा इस यूनिवर्सिटी को लेकर के। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं जो आपका हेल्प करेंगे इस यूनिवर्सिटी को लेकर के अपना डिसीजन बनाने में। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ में देने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपको अपने लिए राइट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चूज करने में भी हेल्प मिलेगा। सो दोस्तों, एमटी यूनिवर्सिटी नोएडा के अंदर सिचुएटेड है और काफी पॉपुलर है अपनी रेगुलर एजुकेशन के साथ साथ, ऑनलाइन के अंदर भी काफी नाम है इस यूनिवर्सिटी का। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस यूनिवर्सिटी में, कुछ यूनिक भी लगी और कुछ चीज़ें पसंद भी नहीं आई। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करूँ इस यूनिवर्सिटी के मैं रैंकिंग एक्रेडिटेशन और अप्रूवल्स का, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डिग्री को एक क्रेडिबिलिटी देने के लिए इंडस्ट्री के अंदर। तो एमिटी यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी थी इंडिया के अंदर जब 2020 के अंदर जो है ऑफिशियली ऑनलाइन एजुकेशन लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर। तो फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी जिसको अप्रूवल मिला था। इवन 24 कोर्सेज, सबसे ज़्यादा कोर्सेज इसी यूनिवर्सिटी के पास थे। सेकंड बात करूं इसके अंदर कि QS वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर इनका ऑनलाइन MBA रैंक्ड है, एशिया के अंदर 10th नंबर पे है और वर्ल्ड के अंदर 50th नंबर के ऊपर है। तो एक ही यूनिवर्सिटी है जिसका ये रैंक है QS रैंकिंग के अंदर ऑनलाइन MBA का। साथ में बात करूं वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज का, तो एक्रेडिटेड है यूनिवर्सिटी कनाडा के लिए एंड AICTE से अप्रूव्ड है। NIRF के अंदर 35th रैंक है इस यूनिवर्सिटी का। तो अगर बात करूं इनके अप्रूवल्स और एक्रेडिटेशन का, तो काफ़ी सही अप्रूवल्स हैं इस यूनिवर्सिटी के पास जो एक्जैक्टली आपकी डिग्री को एक वेटेज देंगे और इंडस्ट्री के अंदर एक्सेप्टेंस देंगे। सेकंड बात करूं इस यूनिवर्सिटी के LMS का, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाती कैसे है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर ये देखा जाता है कि आपको ई बुक्स मिलती हैं, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, लेकिन इनका जो LMS है वो कुछ अलग फीचर्स उसके अंदर मेरे को देखने को मिले इस यूनिवर्सिटी के। तो MIT का जो LMS है वहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, आपको जो ई बुक्स मिलती हैं, बुक्स मिलती हैं साथ में इसके अंदर, साथ में ऑडियो बुक्स भी यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है। इसके साथ LMS के अंदर आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है कि आपके वेबिनार्स जो रहते हैं, जो गेस्ट फैकल्टी से रहते हैं, स्पेशल सेशंस रहते हैं, वर्कशॉप्स रहते हैं, वो सारे इसके अंदर रहते हैं। इनका जो LMS है उसको ये Amigo करके इनका नाम है इनके LMS का। तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, असाइनमेंट्स हर चीज़ आपको वहीं पे डिलीवर करनी होती है। इसी के साथ MIT यूनिवर्सिटी ऑफलाइन बुक्स, फिजिकल बुक्स भी आपके घर पे डिलीवर करती हैं, जो कि बहुत कम यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये चीज़ नो एक्स्ट्रा कॉस्ट के ऊपर रहता है। तो ये बहुत ऑप्शनल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्क्रीन से नहीं पढ़ते हैं या फिर लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं, जॉब वालों के पास ऐसा टाइम नहीं होता है तो वो बुक से पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ इस यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे लगी है। एंड थर्ड पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस यूनिवर्सिटी का मुझे लगा ऑनलाइन प्रोग्राम्स के अंदर, वो है इनका ऑफलाइन कनेक्ट। अब ऑफलाइन कनेक्ट क्या है, तो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन के अंदर एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी तक पहुँचते तक नहीं है, लेकिन MIT यूनिवर्सिटी ने एक ऑफलाइन टच देने के लिए आपको ऑप्शन दिया है, जिसमें बुक्स का बात पहले कर चुके हैं कि आपको ऑफलाइन बुक्स आती हैं जिससे आप स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, यूनिवर्सिटी आपकी ओरिएंटेशन के लिए, जो फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, उनको ओरिएंटेशन के लिए यूनिवर्सिटी बुलाती है, जो कि कंपलसरी नहीं है लेकिन आप जा सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं मतलब। इसी के साथ PCP प्रोग्राम आपके होते हैं, पर्सनल कनेक्ट प्रोग्राम्स आपके होते हैं, आप यूनिवर्सिटी के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जब आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो वहाँ भी अपने बैचमेट से कनेक्ट कर सकते हो, अपने प्रोफेसर्स के साथ, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो और कैंपस को घूम सकते हो। तो काफ़ी यूनिक चीज़ लगी, बहुत ही कम कैंपस के अंदर यह चीज़ है जो ऑफलाइन का कनेक्ट है ना। तो ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन तो स्टडी कर रहे हैं लेकिन ऑफलाइन के अंदर भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम ऑफलाइन कैंपस को देख रहे हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट की, यहाँ की वाइब का जो फील कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगी इस यूनिवर्सिटी के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाने से पहले, अगर आप जो है MIT यूनिवर्सिटी को डिटेल में कंपेयर करना चाहते हैं या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करना चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी आपके लिए सही है, कोई और यूनिवर्सिटी आपके लिए सही है, तो इसके लिए आप जो है कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म का हेल्प ले सकते हो। कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने AI सिस्टम से आपके लिए राइट यूनिवर्सिटी सजेस्ट करता है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको 100 से ज़्यादा गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, जहाँ पे आप उनको आपस में कंपेयर कर सकते हो 30 से ज़्यादा पैरामीटर्स के ऊपर और अपने लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग राइट यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो।
इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो है पर्सनलाइज काउंसलिंग भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग लेना है, किसी से बात करना है, तो आप डायरेक्ट कॉलेज विद के एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हो या फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से भी बात कर सकते हो। सो अगर आप जो है अपने लिए राइट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चूज करना चाहते हैं तो आप जो है कॉलेज विद का ऐप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हो या फिर इनका ऐप इंस्टॉल करके अपने लिए राइट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। सो दोस्तों वापस वीडियो के ऊपर आते हैं। फोर्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस का। तो एग्जामिनेशंस के अंदर यूनिवर्सिटी जो है रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशंस रहते हैं आपके, जिसमें आपका जो सर्विलेंस है वो AI के थ्रू और फिजिकल दोनों तरीकों से होता है बेसिकली। बट आपको जो मेन चीज़ जो इसके अंदर सही लगी मुझे वो है इनका फ्लेक्सिबिलिटी। आपके जो एग्जामिनेशंस है वो आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग के ऊपर दे सकते हो। जैसे आप वर्किंग प्रोफेशनल तो आपको दिन में टाइम नहीं है तो आपको रात का एक स्लॉट मिल जाता है 6-7 बजे का, आपको आफ्टरनून में मिल जाता है 2 से 3 के बीच में या फिर 10-11 बजे का स्लॉट मिल जाता है, उन बीच में कोई भी स्लॉट आप फिल कर सकते हो। बात करते हैं इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द प्लेसमेंट असिस्टेंस की। क्या MT यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट असिस्टेंस देती है आपको? तो अगर बात करूं इसका तो यस, MT जो है वर्चुअल जॉब फेयर्स के थ्रू जो है आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस देती है। आपका जो LMS है यानी कि MEGO, मैंने पहले बात किया था LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, तो उस पोर्टल के ऊपर ही आपको वैकेंसीज जो आती हैं कंपनीज की वो आपको डिस्प्ले होती रहती हैं। आपको वहीं से जो रजिस्टर करना होता है और आपका जो राउंड्स रहते हैं यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन राउंड्स वो आपको क्लियर करने होते हैं। लेकिन आपको एक रहता है कि प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, तो प्लेटफॉर्म्स यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करवाती है आपके वेबिनार्स के थ्रू, आपकी वर्कशॉप्स के थ्रू, रिज्यूमे बिल्डिंग वर्कशॉप्स आपकी होती हैं, तो उसके बेस पे आपका जो है कंपनीज के अंदर अप्लाई करते हो और वहाँ से क्रैक कर सकते हो। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के एक दो पॉइंट्स मेरे को और अच्छे लगे हैं, वो है इनका मास्टर एग्जामिनेशन के पहले रिवीजन जो आप कर सकते हो, एंड एग्जामिनेशन पहले आपका PCP प्रोग्राम होता है, पर्सनल कनेक्ट प्रोग्राम। तो आप यूनिवर्सिटी जाकर के कैंपस में जाकर के जो है अपने फैकल्टी मेंबर से जो है कनेक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट हो उनको क्लियर कर सकते हैं या फिर कोई और हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो MT यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी अच्छी हैं, जिनके बेस पे आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अगर बात करूँ इसके फीस स्ट्रक्चर, तो फीस स्ट्रक्चर के ऊपर आपको जो है EMIs के ऑप्शन भी यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है। सो अगर आप जो है MT यूनिवर्सिटी को लेकर के कंफ्यूज थे तो आई होप डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, या फिर आप जो है कॉलेज विद्या का हेल्प ले सकते हो अपने लिए राइट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चूज करने में। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये वाला। अगर हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और इसी टाइप की करियर कोर्सेज और कॉलेज से रिलेटेड वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन जय हिंद।